गुरु प्यारी साध संगत जीओ आओ फतेह दी सांझ करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं किसान जथेबंदियां दे आगू साहिबानां नूं ते इन्हां दे समुचे किसान भरावां नूं नौजवानां नूं वधाई दियांगा कि तुसीं पिछले 3 महीने तो लगातार जबर दा मुकाबला सबर दे नाल कर रहे हो। तुसीं हर प्रकार ते धरने ला के देख ले और तुसीं 26 दिनां तो सिंघू बॉर्डर ते तुसीं पंजाब ने दी अगवाई की। हरियाणा ने तुहाडा छोटा भरा बन के सहयोग दिता वड्डा और इस अंदोलन नूं जिहड़ा पंजाब दा अंदोलन समझा जांदा सी, इक फिरके नाल जोड़िया जांदा सी, इह देश दा अंदोलन तुसीं बनाता ते तुसीं जिस तरह जापता रख्या होया डिसिप्लिन रख्या तुसीं इस गल दे वधाई दे पात्र हो। इसे तरह ही तुसीं इहदे दा सबूत देना है जिस तरह तुहानूं इह 30 जथेबंदियां दी आगू सभान आदेश करनगे तुसीं इहनां दे पिछे पिछे चलना है। इह बहुत सुचज्जी अगवाई तुहाडी कर रहे ने, सो असीं नाल ही आ तुहाडे। पिछले 3 महीनों तो मैं लगातार आ जा रहा इत्थे और साडी जथेबंदी भाई कन्हैया जी मिशन सेवा सुसायटी ने लुधियाणे च बह के मीटिंग की। इहदा फैसला लिया गया कि सरकार दे अपने तानाशाही रवैये ते अड़ी हुई है और ये तस तो मस नहीं हो रही। ये जालम सरकार जिहड़ी मैं कहांगा अखां तो अन्नी ते कन्नां तो बेरी हो चुकी है। इस सरकार नूं जगाउण वास्ते हलूड़ा दौड़न वास्ते असीं इत्थे पहुंचे हां। साडी जिहड़ी संस्था है मनुखी कारजां नूं समर्पित है। असीं पंजाब दे विच खूनदान कैंप लाउने हां और लोड़वंदां नूं बिना भेदभाव निष्काम रूप में खून लैके दिने। 397 हुण तक असीं खूनदान कैंप ला चुके हां पंजाब दे विच और 9 वार पंजाब सरकार ने सानू जथेबंदी नूं स्टेट अवार्ड दित्ता साडियां सेवावां लई। और मैं इत्थों स्टेज तो ऐलान करना चाहुंदा किसे नूं वी पंजाब दे विच चंडीगढ़ तक किसे नूं खून की लोड़ है और भाई कन्हैया जी मिशन सेवा सुसायटी के नाल संपर्क करके तुसीं लोड़वंदां दी जिंदगियां बचा सकते हो। रब तुहाडे किसे घरां दे विच जरूरत ना पावे पर किसे नूं लोड़ पै जावे तां याद कर लिओ, मेरा नंबर नोट कर लो 96535 18900 96535 18900 ते तुसीं पंजाब दे विच 24 घंटे मैनूं कॉल कर सकते हो, किसी की भी जिंदगी बचा सकते हो। मेरे अपने पल्ले कुछ नहीं, केवल सतगुरु की बख्शिश ते रहमत है। गुरु पातशाह ने छबील लाई है खून की, जिन्ना मर्जी लिया के मेरे तो वंड दिया जी। और इत्थे मैं कल आया सीगा ते मन दे विच आया सी कि जिहड़ी सरकार नूं दो अखां ने मोदी साहब दियां, एक अख नाल उह देखदा है अडानी नूं, दूजी अख नाल देखदा अंबानी नूं। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 40 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
कंग साहब के सहयोग न इन्होंने होर साथियों सहयोग न पिछले पासे स्टेज के खूनदान कैंप चल रहे हैं जिदे विच असी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी नू खून की चिट्ठी लिखी है। इहदा कीर्ति किसानों मजदूरों का ते सोसाइटी के नौजवान जिहड़े साडे खूनदान करके गए ने इन्हां दे खून दे नाल जिथे असीं पंजाब दे बीमार लोगों नू लोड़वंद मरीजों नू उन्हां जिंदगियां बचाउण दा यतन करांगे मनुखता दा भला होवेगा। उत्थे मोदी साहब नू असीं एक शांति का पैगाम देण आए हां कि साडे सानू अडानी ते अंबानी इस देश नू लुट चुके हैं पहलां तो ही ते तुसी उन्हां दे पीए बन के काम कर रहे हो। तुसी अपनी होंद नू पछाणो, तुहानू इस देश ने राजा बनाया और तुसी इस राजे की खातर परपरिया की खातर इन्हां दे दर्द नू समझो, कानून नू वापस लो। असी प्रधानमंत्री नू चिट्ठी च लिखिया कि तुसी आखदे हो कि मैं बाबे नानक का सेवक हाँ, गुरु घर का सेवक हाँ, तुसी कल इसकी मिसाल भी कायम की है, तुसी बंगला साहब जाके कल मत्था दे के आए, उत्थे नतमस्तक होके आए हो, उत्थे तुसी उत्थे जिहड़ा ये चिट्ठी दे विच जगत गुरु बाबे ने गुरबाणी का फरमान है, हक पराया नानका उस सूओ उस गाए। उस वेले दो कौमां सी, उन्हां नूं संदेश दिता कि हक ते डाका मारन वाले जिस तरह केंद्र की सरकार लखां करोड़ां किसानां दे हक्कां ते डाका मारना चाहुंदी है। उस बाबे नानक ने उस उपदेश किया सी कि मुसलमान वास्ते सूअर ते गां, हिंदू वास्ते गां दा मांस खाण दे बराबर है। असी उह तुहानूं संदेश देना चाहुंदे हां मोदी साहब इस चिट्ठी राहीं कि तुसी इस बाबे नानक दे सेवक अपने आप आखदे हो, बाबे नानक दे इस संदेश नू समझो ते असी तुहाडे तो आस रखदे हां कि तुसी इस संदेश नू समझदे होए ये तीन कानून जिहड़े अपने तुसी वापस लवोंगे और ये इत्थों जिहड़े किसान भरा पूरे देश दे विच वापस आपो अपने बच्चों के जाएंगे। अज का यह खूनदान कैंप समूह शहीदों की याद के लगाया गया है। ये जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लवेगी ये धरना जब तक चलता रहेगा। भाई कन्हैया जी मिशन सेवा सोसायटी ने भी फैसला लिया इस तरह निरंतर इस स्टेज की पिछली साढ़े साइड से बैक साइड से यह निरंतर खूनदान कैंप चलते रहेंगे और असी खून की चिट्ठियां लिख लेके तुहानू लांता पाते रहेंगे। इन्ना ही कहिंदा खिमा दा जाचका ते समुची मैं स्टेज दे सैकटरी साहब दा जथेबंदी आगू दा जिन्होंने सानू मान सम्मान बख्शिया उन्होंने दिल दी गरहियां दा धन्नवाद है। ते हुण असी इह जो असी मंग पत्र अपना प्रधानमंत्री वाली चिट्ठी लैके आए हां असी जथेबंदियां नू देना चाहुंदे हां। सिद्धू साहब असी जथेबंदियों नू सबान आगू सबान नू सैकटरी नू बेनती करांगे ये असी तुहानू रोजाना चिट्ठियां लिख के देंगे जद तक यह धरना खत्म नहीं होगा साडे खूनदान कैंप चलते रहेंगे। असी तुहानू रोजाना बेनती करांगे कि साडी चिट्ठियां नू तुसी आप फैसला लेना इन्हू किस तरह उन्हां तक पहुंचाना प्रधानमंत्री तक। इन्ना ही कहना साडी बेनती नू प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।